प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के एक सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, सही सलामत रखा है, हालेलुया। और आज एक और सुलगता हुआ सवाल मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये कुछ दिनों से मैं एक सीरीज चल रहा हूँ सुलगता हुआ सवाल, और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा, हालेलुया। तो आज एक ऐसा सवाल है जो ट्रेन पकड़े हुआ है, यानी कि प्रचलित है, वो चलन में है, ऐसा सवाल है जिसके विषय में सोचना और उसके विषय में गंभीरता से बातचीत करना, उसके विषय में लोगों को बताना, आगाह करना, ये बहुत जरूरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, हालेलुया। इसीलिए मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊं, और वो समय परमेश्वर ने आज मुझे दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और आज जो भी विषय है उस पर ध्यान लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है और संसार में हो क्या रहा है, मसीही लोग कहाँ खोए हुए हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। क्योंकि एक कवाली है बहुत अच्छी जो भाई गुड्डू जेम्स ने गाई है कि क्या हुआ है कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, हालेलुया। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, यदि पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, अपने जानने वालों को, अपने जानकारों को इस चैनल के बारे में बताइए, और परमेश्वर के वचन को वहां तक पहुंचाइए, ताकि जो सच्चाई का प्रचार मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा करता हूँ बहुत लोगों तक पहुँच सके। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत लोगों तक पहुँच सके, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट भी कीजिए मेरे को, मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं और भी उत्तम उत्तम बातें परमेश्वर की वचन की वो गुण भेद की बातें आप तक ला सकूँ, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, छोटा सा वीडियो है और छोटी सी बात है, छोटा सा सवाल है, लेकिन वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हालेलुया। और वो सवाल है कि क्या वजह है कि वो छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल समझ से बाहर हैं, जो व्यर्थ हैं, जिनका मनुष्य के जीवन से या उनके सामाजिक जीवन से, आर्थिक जीवन से, आत्मिक जीवन से, हर एक परिस्थिति से उसको कोई लेना देना नहीं है, हालेलुया। कुछ बातें ऐसी मैंने नोटिस की हैं, अभी कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पबजी को बंद कर दिया, उससे पहले टिकटॉक को बंद कर दिया था। तो पबजी का जो गेम है वो इतना प्रचलित था कि बच्चे रात रात को लगे रहते थे, और अब वो क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन उसका एक और वर्जन निकाल दिया गया है, एक बॉलीवुड के जो हीरो हैं अक्षय कुमार, उन्होंने फौजी नाम का एक गेम निकाल दिया है, हम कितना प्रचलित है ये। दूसरी चीज, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल, आप उसे सर्च कीजिएगा, और सिर्फ आपको इतना लिखना है कौन था, और पूरी लाइन उसी वीडियो की आ जाएंगी, सैकड़ों वीडियो आएंगी, जैसे कि रसोड़े में कौन था, हालेलुया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको वायरल किया जाए, ये बहुत तेजी से वायरल हो जाए। क्या वजह है ऐसी कि इन ऐसी बातों पर लोग ज्यादा गौर करते हैं, इन बातों को बड़े शौक से देखते हैं, और बार बार इन वीडियो को देखते हैं, इनके व्यूज देखिए कितने होते हैं, और जिन्होंने जो इनको वीडियो को बनाते हैं उनके सब्सक्राइबर देखिए कितने होते हैं, हैं, और थोड़ी सी देर में एक घंटे में हजारों व्यूज इनके हो जाते हैं। क्या वजह है ऐसी, हालेलुया। बाइबल इस हिस्से में क्या कहती है, आज मैं इस बात पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ, इस बात पर मैं गौर करना चाहता हूँ, आपका ध्यान मैं उस ओर ले जाना चाहता हूँ, हालेलुया। बाइबल इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि छोटी छोटी बातें क्या हो जाती है, बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है, वो कुछ भी नहीं होगा, 2 सेकंड की या 5 सेकंड की, 10 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो होगी, और वो तुरंत वायरल हो जाएगी, और लोग उसको बहुत बार, लाखों बार उसको देखते हैं, हालेलुया। लेकिन सच्चाई के वचन को बहुत कम लोग देखते हैं, हालेलुया। जो मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, कि जो वचन प्रचार किया जाता है
उसे बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग उस ओर दृष्टि करते हैं, उसे स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और ऐसी वीडियोस खोजते हैं जिसमें उनको आनंद आए। हालेलुया, ये आनंद क्षण भर का है, लेकिन जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे उद्धार का कारण है और हमारे लिए अनंत जीवन तक पहुंचाने का ये वचन कारण होता है। हालेलुया, तो आइए वो वजह हम जानेंगे कि क्या वजह है कि ऐसा हो जाता है कि लोग सच्चे वचन को छोड़कर झूठ की तरफ जा रहे हैं, झूठ की तरफ, जो एडिट वीडियो होती हैं, जो वाहियात वीडियो होती हैं, उनको ज़्यादा लोग देखते हैं, उनके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उन पर ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं। हालेलुया, आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो वचन है दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा, पहले पद से ही पढ़कर आपको बताऊंगा, लेकिन वो आगे चलकर जो बात है वो 4 और 5 पद में है, लेकिन मैं शुरू से पढ़ूंगा तो अच्छा रहेगा। लिखा है दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षक के साथ उलहाना दे और डांट और समझा। अब ध्यान से सुनिएगा 3 पद से क्या है, अब वही चीज सामने आएगी जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि लोग क्यों वचन को नहीं सुन रहे हैं। उसके विषय में संत पौलुस ने अपने जो चेला है उसका, जो उसका बेटा है, जिसको बेटा बना रखा है पौलुस ने, तिमुथियस, उसको क्या लिखते हैं। 3 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया, अपने कानों को इस सत्य से फेर कर उन कथा कहानियों पर लगाएंगे जो पबजी में कहानियां चलती हैं, या जो कौन था, या रसोड़े में कौन था, इस तरह की जो बातें हैं उस पर लोग ध्यान लगाएंगे, उसको ज़्यादा देखेंगे बनिस्पत इसके कि ये सच्चाई का वचन जो उनका उद्धार कर सकता है, जो उनको पार लगा सकता है, जो उनको छुटकारा दे सकता है। संत पौलुस ने ये बात 2000 साल पहले ही लिख दी थी, लगभग 2000 साल पहले ही लिख दी थी और आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं। आज अगर आप एक मीटिंग रखें और वहाँ पर अनाउंस करें कि वचन प्रचार किया जाएगा, आप देखिए वहाँ पर कितने लोग आते हैं। हालेलुया, और ऐसे ही अगर कोई वाहियात प्रोग्राम रख लिया जाए, जादूगरी का प्रोग्राम रख लिया जाए, डीजे का प्रोग्राम रख लिया जाए, खाना कर दिया जाए, तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगी। हालेलुया, क्यों? क्योंकि संत पौलुस यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं 3 पद में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश तक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और 5 पद को हम पढ़े जब, तो संत पौलुस वहाँ पर होशियार करते हैं, वो हमें चेतावनी देते हैं उस बात के लिए। संत पौलुस तिमुथियस को कहते हैं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए भी है। लिखा है, पर तू इन सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया, अपनी सेवा पूरी कर। तो ऐसा समय चल रहा है, एक छोटी सी वीडियो आती है 2 मिनट की 5 मिनट की और वो धड़ल्ले से क्या हो जाती है, वायरल हो जाती है, हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं, बहुत सारे व्यूज हो जाते हैं उसके, और जो बनाने वाला, जो एडिट करने वाला है, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। हालेलुया, क्यों? क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी है दोस्तों, इसको 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले संत पौलुस ने बता दिया कि ऐसा समय आएगा कि लोग सच्चे वचन को ना सुनकर कथा कहानियों पर अपने कानों को लगाएंगे। और वो कहता है कि तू सावधान रहे, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, हम प्रचार करते रहेंगे, कोई सुने चाहे ना सुने, अगर जो सुनेगा उसका फायदा है, जो नहीं सुनेगा उससे प्रभु यीशु मसीह एक दिन पूछ लेंगे न्याय के दिन कि बेटा मैंने पास्टर राज मसीह के द्वारा एक वचन तेरे पास पहुंचाया था, तूने क्यों नहीं सुना। हालेलुया, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि हम क्यों सांसारिक बातों की ओर, क्यों अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इन व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं, क्यों नहीं हम इस सच्चाई को ग्रहण करते हैं। हालेलुया,
परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आप सबको अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे, परमेश्वर हर समय हर पल आपके साथ रहे। हालेलुया।